खेसारी लाल यादव को न जाने क्या हो जाता है कि रह रहकर अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं या फिर उनका पैर कुल्हाड़ी पर आकर गिरता है। भाई दोनों स्थितियों में हर्ट तो खेसारी लाल यादव ही होते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि ऐसा खेसारी लाल यादव ने क्या कर दिया कि फिल्म सैया अरब गई ने ना कि तो शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो क्या उन्होंने अपने शूटिंग स्पॉट पर ऐसा कुछ कर दिया है जिसे लेकर कोई विवाद खड़ा हो गया है? जी नहीं, विवाद अब कहाँ खड़ा हुआ है हम आपको बताते हैं। एक्चुअली आपने तो देखा ही होगा कि दिल्ली में लोकसभा कुछ ऐसी बातें खेसारी लाल यादव ने लालू प्रसाद यादव के घर वालों के खिलाफ बोली कि अब वो धीरे धीरे ही सही लेकिन मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, कभी लालू प्रसाद यादव के घर के सबसे करीबी आजकल लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी बेटों के खिलाफ बोल रहे हैं। वैसे तो अपने उस भाषण में खेसारी लाल यादव ने सब कुछ अच्छी अच्छी बातें ही लालू प्रसाद यादव के बारे में बोली थी, लेकिन उनके बेटे यशस्वी यादव को लेकर कुछ ऐसी बातें दिल्ली के भाषण में कही जो कि यशस्वी यादव को नागवार गुजर गई हैं। अब भाई बिहार में यशस्वी यादव भले ही सत्ता में न हो लेकिन सत्ता के करीब हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगले बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर आरजेडी से उनका नाम फिक्स है। लेकिन ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव के घर से खेसारी लाल यादव पंगा ले लेते हैं तो फिर यहाँ एक और यादव बनाम यादव लड़ाई बीजेपी के चलते स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, बीजेपी की रैली में ही तो खेसारी लाल यादव ने यशस्वी यादव के खिलाफ जहर उगला था। ठीक निरहुआ और अखिलेश यादव की लड़ाई की तरह, कभी अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले और उन्हें अपना बड़ा भाई कहने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जहां की तय था कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे, अंत में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और यादव बनाम यादव की लड़ाई शुरू हो गई। और अब लगता है अखिलेश और दिनेश के बाद अब यशस्वी और खेसारी लाल यादव की लड़ाई भी सुर्खियां बटोरेगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।